नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 35 इयर्स है और इस पाम को देखें तो इनका मेजर सब्जेक्ट है इनकी शादी हुई और ब्रेक हो गई है, तो सेकेंड मैरिज कब है। बहुत बार पाम के अंदर मैंने देखा है कोई माइनस पॉइंट ना भी हो तो भी बहुत बार एक साथ काटने वाली जब राहु रेखाएं होती है किसी के पाम पर तो इस तरह के प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में आते हैं। और इस पाम में ऑफशूट भी है और साथ साथ में अनगिनत राहु रेखा है। मैं सारी राहु रेखाओं का समय निकाला है, जब जीवन रेखा पर आऊँगा तब इसका डिस्कशन करूँगा। पर इनका जो सब्जेक्ट है, हाँ, इनको 35-36 के आसपास ये रेखा जो एक तरह की जीवन रेखा से निकल कर माइंड लाइन पर टच करी है, ये रेखा इनकी वापस शादी करवा सकती है। और इसकी वर्तमान उम्र लगभग 35 या 36 साल के आसपास इनकी सेकेंड मैरिज के चांसेस काफ़ी क्लियर कट बन रहे, ऐसा इनके हाथ पर इस रेखा को देखकर लगता है। क्योंकि बहुत सारी राहु रेखाएं व्यक्ति के जीवन में बहुत डिस्टर्बेंस लाती है। इस पाम में देखें तो बहुत सारी बुराइयां है जिनको एक एक करके दूर करनी होगी, तब जाके इनका जीवन किसी अंश पर एक स्थिरता आएगी। मैं एक एक करके जहाँ जहाँ पर जो जो कमियाँ लगेगी वो एक एक करके मैं बताते जाऊँगा। इस पाम को देखें तो सबसे पहले यहाँ पर बनने वाली ये जो रेखा है ये इनको काफ़ी समझदार बनाती है। ये जब इस तरह की सीधी रेखा हो तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है और जो जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है उसको ये लोग अच्छी तरह समझ पाते हैं। पर फिर भी इनके पाम के अंदर राहु रेखाएं जिनके हाथ में भी ज़्यादा होती है उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें होती है, ये भी एक सच्चाई है। यहाँ पर देखें तो ये पाम कंप्लीट रेक्टेंगल है, या तो व्यक्ति बोलकर कार्य करता है या बैठे बैठे कार्य करता है, इस तरह का इनका मानसिकता होता है। दूसरी चीज़ देखें तो अंगूठा काफ़ी बड़ा है और लंबा है, तो व्यक्तित्व व्यक्ति का स्ट्रांग होता है। और फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद भी रहती है, और सेकेंड फैलेंज भी काफ़ी अच्छा है तो व्यक्ति तथ्यों के साथ अपनी बात बताने में एक्सपर्ट होता है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव का होता है, बहुत ज़्यादा, ये एक प्लस पॉइंट है। छोटी उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, तो जब फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और इनका फर्स्ट फैलेंज भी थोड़ा सा मुड़ रहा है तो ऐसे लोग पैसा कमाने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। अब इनकी जो शादी ब्रेक हुई है, अगर इनकी रिलेशनशिप लाइन को देखें तो ये काफ़ी बड़ी है, तो हो ना हो इनको जो सेकेंड मैरिज होगी वो काफ़ी समझदार स्त्री मिलेगी। क्योंकि जिसके भी हाथ में ये लाइन काफ़ी स्ट्रांग हो, मैंने ये इनका क्लोजअप भी मंगा कर देखा, मुझे ये काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। इनके जीवन में इस तरह का प्रश्न कैसे खड़ा हुआ ये एक आश्चर्य का सब्जेक्ट है, पर यहाँ पर मुझे कोई ऐसी कमी नहीं लग रही है, ना ही इनके जुपिटर माउंट में इस तरह की कोई कमी लग रही है। दोनों पॉइंट इनके दमदार है। बहुत बार हो सकता है राहु रेखाओं के जब कंटिन्यू हमला होता है व्यक्ति के जीवन में तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बुध पर्वत पर भी खड़ी लाइन है, ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड, इनकी बोली अच्छी रहती है और जब ज़्यादा लाइनें होती है तो भी व्यक्ति सुंदरता भी पाता है, तो ये सारे गुण इनमें होंगे। और इनका पाम देखें तो एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व की तरह पाम है, सारे ग्रह अपने आप में सेटल है, तो ये एक और प्लस पॉइंट। और जिसके भी हाथ में आपको चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा हो, ये चार ग्रह आपको एकदम व्यवस्थित दिखेंगे तो वो व्यक्ति एक नॉर्मल लाइफ इजीली जीता है, एक व्यवस्थित घर में रहता है,
व्यवस्थित फैमिली लाइफ होती, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। तो हो ना हो इनको भी ये सारी चीज़ें जीवन में प्राप्त होगी, पर इस हाथ में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो है राहु रेखाएं। अब इनके सूर्य पर्वत पर भी देखें तो बहुत सारी रेखाएं इस तरह से चल रही है, सूर्य रेखा अच्छी होने के बावजूद भी घूम घूम कर चल रही है, यानी बहुत स्ट्रेट और एकदम स्ट्रांग नहीं है, पर फिर भी रेखा है तो ये फल तो देगी, व्यक्ति का नाम भी करेगी और प्लस कंफर्टेबल इनकम भी व्यक्ति के जीवन में आएगी, पर बहुत हल्की सी है। और जब थोड़ा सा भी सूर्य पर्वत पर दो चार लाइनें अगर ज़्यादा इस तरह से चलती हो तो व्यक्ति कंसंट्रेशन लगाने में कहीं ना कहीं कमज़ोर सिद्ध होता है, ये एक माइनस पॉइंट इनके जीवन में रहता है। और मैंने क्लोजअप में देखा था यहाँ पर एक ट्रायंगल जरूर बन रहा है, ये ट्रायंगल व्यक्ति को काफ़ी अच्छी पोजीशन पर पहुँचाता है। मैंने दो तीन फोटोग्राफ्स इनके देखने की कोशिश की, मुझे ये ट्रायंगल कंप्लीट लगता है। दूसरी वस्तु है यहाँ पर एक इस तरह से लाइन जा रही है और एक इस तरह से लाइन जा रही, तो ये शुक्र वलय का शेप तो बन रहा है। अगर इनके जन्म के बाद परिवार संपन्न हुआ होगा तो इसको हम एक तरह से शुक्र वलय मान सकते हैं, क्योंकि ये जगह ही शुक्र वलय की है। और ये अगर जन्म के बाद इनका परिवार संपन्न हुआ होगा तो 100% इनको पैसे के मामले में ये शुक्र वलय सपोर्ट करेगा। और ये जो ज़्यादा लाइन है इसका मैं उपाय इनको दूंगा, बहुत आसानी से इनका कंसंट्रेशन लेवल दो तीन महीनों में ही एक अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा। एक विद्या रेखा भी बनी हुई है और साथ में एक छोटी रेखा भी है, तो लोग समझदार होते हैं, यानी बेसिक ज्ञान व्यक्ति के पास अच्छा होता है, पर साथ में दूसरी रेखा भी होती है तो व्यक्ति में एक माइनस पॉइंट होता है, उसको अपने बेसिक ज्ञान पर घमंड भी आता है, ये भी एक माइनस पॉइंट व्यक्ति के जीवन में रहता है, पर लोग इनको पूछ पूछ कर काम जरूर करेंगे जीवन में। शनि पर्वत देखें तो एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट है, आलस नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती व्यक्ति के जीवन में जब शनि पर्वत फ्लैट होता है। पर इनकी जो फेट लाइन है ये है मल्टीपल, बहुत जगह से इनकम के स्रोत इनके जीवन में क्रिएट होते रहेंगे, तो इनकम तो बुढ़ापे तक कंटिन्यू रहेगी, पर इनकम के जो माध्यम है वो बार बार चेंज होते रहेंगे और मल्टीपल इनकम वाले ये व्यक्ति बनेंगे। अब गुरु पर्वत, गुरु पर्वत ऐसे भले छोटा है पर ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं नज़र आता कि व्यक्ति, हाँ इस तरह का गुरु पर्वत इनको परिवार से दूर कर सकता है, यानी परिवार से दूर रख सकता है, पर पारिवारिक या सांसारिक प्रॉब्लम क्रिएट होए इस तरह का गुरु पर्वत नहीं है। और एक दो पॉजिटिव साइन भी है, जैसे ये लाइन निकली ये और इसको काटने वाली एक रेखा, ये बनता है क्रॉस, इनको अगर बचपन में जोर से लगा होगा जो अभी तक इनको याद होगा, सर में खून निकलता है और सर दर्द का प्रॉब्लम रहता होगा, तो जब भी इनकी शादी होगी पत्नी काफ़ी समझदार मिलेगी, क्योंकि लक्षण इनके हाथ में ऐसे कोई दिख नहीं रहे हैं कि इनको इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए था। हाँ ये जब इतनी सारी राहु रेखाएं जब काटती है किसी को तो व्यक्ति का जीवन नेचुरल है डिस्टर्बेंस वाला रहता ही है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल भी है, ये ट्रायंगल भी व्यक्ति को बहुत बार सरकारी लाभ कराता है, पॉलिटिकल लाभ भी कराता है, अगर ये लाभ नहीं भी रहे तो भी ये ट्रायंगल व्यक्ति को काफ़ी अच्छी पोजीशन पर पहुंचाता है। तो बहुत सारे शुभ साइन हैं इनके हाथ में। अब चलते हैं इनके अंदरूनी मंगल पर, अंदरूनी मंगल पर देखें तो मंगल इतना अच्छा नहीं है, ये मंगल व्यक्ति को शारीरिक क्षमता कमज़ोर देती है, यानी 35-40 के आसपास कोई ना कोई इस तरह का डेली दवाई खाने वाला रोग इनको लागू होता है, जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है, इस तरह का कोई ना कोई जिनमें डेली दवाई खानी पड़ती है, और ऐसे लोगों की शारीरिक क्षमता एक आम इंसान से थोड़ी सी कमज़ोर रहती है,
पर जिंदगी जीने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता। व्यक्ति 80-85 साल भी जीता है और कंफर्टेबल लाइफ जीता है, ऐसा कोई तकलीफ आती नहीं। और यहाँ पर देखें तो बहुत सारी रेखा है। अब ये बट नेचुरल चीज़ है, जब इतनी सारी राहु रेखाएं काटती हो तो व्यक्ति चिंतित स्वभाव का बनता है, और ज़्यादा रेखाएं होती है तो व्यक्ति कभी कभी डिप्रेशन का भी शिकार बनता है। और इसका बेस्ट इलाज है मेडिटेशन करना, और ऐसे लोग बहुत जल्दी मेडिटेशन कर भी नहीं पाते। जैसे राहु रेखाएं ज़्यादा होती है और मैं स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाने बोलता हूँ तो कुत्ते उस खाने को खाते भी नहीं, उनके हाथ से मुंह देखेंगे, भाग जाएंगे, बहुत पीछे पड़ते। तब जाके 10-15 दिनों के बाद एक आध कोई कुत्ता आकर खाता है, और धीरे 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 मेहनत करते करते फल मिलना चालू होता है। वैसे ही जब इतनी रेखाएं किसी अंदरूनी मंगल पर हो तो व्यक्ति मेडिटेशन पर कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाता। उसको कम से कम 15-20 दिन तो उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि मेडिटेशन क्या होता है, यानी उसका ध्यान एक चित्त लग ही नहीं पाता। और दूसरा उपाय है, पर फिर भी कोशिश करते रहनी चाहिए, एक दिन सफलता मिल गई, आप ध्यान में चले गए, एक ऐसा पल आता है जीवन में जब मेडिटेशन आप शुरुआत करते हो तो पहला दिन, और उस 2 मिनट के लिए भी चले गए या 20 सेकंड के लिए भी ध्यान के अंदर चले गए तो उस दिन आप समझ लो आप जीत गए, और पूरा दिन आपका इतना सुंदर जाएगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतना पावर है मेडिटेशन में। पर ये बहुत कंसंट्रेशन लगाने के बाद इनको सफलता मिलेगी, बहुत हार्ड है इतनी रेखाओं वाले व्यक्ति के लिए। दूसरी चीज, भोलेनाथ के मंदिर पर डेली जल चढ़ाने जाना चाहिए। जितना ये अच्छी रीत से कार्य करेंगे इनकी रेखाएं ये दब जाएगी या निकल जाएगी, और जीवन में खुद को परिवर्तन महसूस होता दिखेगा। भारी मंगल अच्छा है, और यहाँ पर एक दो लाइनें दिख रही है पर बहुत लाइट है, तो इस तरह की लाइन वालों को कभी ना कभी पुलिस स्टेशन या कोर्ट के दर्शन करने ही पड़ते हैं, पर बहुत लाइट है, ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, और यहाँ पर एक क्रॉस है। जब यहाँ पर क्रॉस होता है तो व्यक्ति को जीवन के प्रति एक नेगेटिव भाव रहता है, डर लगता है, आज जो मैं स्थिति में हूँ कल नहीं रहा तो, इस तरह का डर सताता है। इसका भी मैं उपाय दे दूंगा। और सारे ग्रह इनके नॉर्मल है, और यहाँ पर देखे तो जीवन रेखा से निकलने वाली ये रेखा है, ये बहुत बार व्यक्ति को विदेश यात्राएं भी कराती है, और ज़्यादातर व्यक्ति कभी कभी लॉन्ग स्टे भी विदेश में करता है इस तरह की रेखाएं होती है तो, और व्यक्ति चाहे तो विदेश में भी स्टे करना चाहे तो कर सकता है। और मनी ट्रायंगल भी देखे तो यहाँ से एक रेखा निकली और इस तरह से एक मनी ट्रायंगल इनके जीवन में निर्माण हो रहा है, पर है छोटा पर फिर भी ये काफ़ी मायने रखता है जीवन में मनी ट्रायंगल का होना। यानी इनकम के मामले में तो इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, पर राहु रेखा इतनी है कि कोई भी बात बोलने के पहले ध्यान राहु रेखाओं पर ही जाता है और बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर भी देखें तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है, और ये ज़्यादा रेखाएं व्यक्ति के जीवन में एक तकलीफ सी क्रिएट करती है, और यहाँ पर मुझे एक मोल जैसा भी दिख रहा है। तो व्यक्ति को जब यहाँ पर मोल होता है तो जीवन में एक बार स्त्री की ओर से नाम खराब होने का डर जरूर रहता है, बहुत हल्का है पर फिर भी अपना असर ये दिखाता ही है। अगर एक बार नाम खराब हो चुका होगा तो ये आगे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये काफ़ी, यानी एक ही बार ये नेगेटिव फल देता है। और शुक्र पर्वत नॉर्मल है और साथ में गुरु पर्वत भी है, पर ये अगर स्ट्रांग हो जाए तो और पावरफुल हो जाएगा, पर इतना भी शुक्र पर्वत व्यक्ति को एक व्यवस्थित लाइफ देता है। अब चलते हैं इनके हृदय रेखा पर। हृदय रेखा को देखे तो देखिए ये एक और कारण
जीवन में हो सकता है जो मैंने कई लोगों के पाम में देखा है। जब आपकी हार्ट लाइन इस तरह से निकलती है, मंगल क्षेत्र से प्रारंभ हो के इस तरह से, तो ये एक तो गुस्सा दिलाती है मंगल क्षेत्र होने से, यानी नाक नाक पर गुस्सा कंटिन्यू रहता है, एक ये चीज़। और ये गुरु पर्वत तक टच होती है तो व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत बार देखा गया है कि जब व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो ये भी एक कारण होता है घर के अंदर टेंस क्रिएट होना। बहुत लोगों के पामों पर मैंने ये चीज़ नोट की है। तो विच्छेद होने का कारण इनकी हार्ट लाइन भी हो सकती है, क्योंकि एक तो गुस्सा दिलाती है और प्लस साथ में एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा, यानी परिवार के लोग पेड़ नहीं होते, इनको अपनी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत लो करनी पड़ेगी और यही एक्सपेक्टेशन लेवल परिवार में टेंस क्रिएट करती है। पर कमर्शियल लेवल पर ये सफलता दिलाती है, पर यहाँ पर जब मंगल की ओर झुकती है तो ये गुस्सा अति रहता है व्यक्ति को। अब चलते हैं इनके और हार्ट लाइन को देखें तो थोड़ी सी डबल जैसी है, तो झंझटे व्यक्ति के जीवन में हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि इस तरह के हार्ट लाइन वाला व्यक्ति खाली शरीर एक जगह पर रहता है, मन कहीं और रहता है, तो ये जीवन भर इनको झंझटों से हमेशा पाला पड़ते रहेगा। सेम इसी तरह माइंड लाइन को भी देखें तो माइंड लाइन कंप्लीट गुरु पर्वत से शुरू होकर ये सीधी चलकर यहाँ तक चल रही है। तो माइंड लाइन तो काफ़ी सुंदर है और दोनों के बीच में गैप है, तो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाना जानता है प्लस जिद्दी होता है थोड़ा, अपनी बातें ही सुनता है, किसी और की सुनता नहीं, यानी अपने मन में जो आता है वही करता है। और गुरु पर्वत से जब शुरू होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है, और इतनी अच्छी माइंड लाइन व्यक्ति को काफ़ी अच्छा बुद्धि चातुर्य देती है। पर इसी माइंड लाइन पर देखें तो बहुत जगह पर आपको कट भी दिखाई दे रहे, ये सारे जब भी कट आते होंगे उस पीरियड में इनको कोई ना कोई कमर से रिलेटेड जो मचक जैसी स्थिति आती है, 2, 5, 10 दिन 15 दिन जो पेन होता है, उस तरह का पेन इनके जीवन में होता होगा क्योंकि बहुत जगह पर कट है, तो ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है व्यक्ति के जीवन में। पर बाकी ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन पर ऐसा कोई दूसरा माइनस पॉइंट नहीं है। अब इनकी जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा पर आप देखिए ये कंटिन्यू 14 साल 22 साल 28 30 32 35 39 43 48 52 और 57 और 60, ये कंटिन्यू इतनी राहु रेखा है। और इसका बेस्ट इलाज है स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना, बहुत मेहनत लगेगी आपके जीवन को, अगर आपको बहुत अच्छा बनाना है तो कम से कम 2 से 2.5 साल आपको कंटिन्यू सुबह शाम स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना पड़ेगा, तब जाके ये रेखा एकदम धूमिल हो जाएगी या निकल जाएगी। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो जीवन भर आपको तकलीफें उठानी पड़ेगी, जीवन भर, और आप इसका पेन उठा चुके हो और आगे भी आपको इस तरह की पेन देगी, तो ये बेस्ट इलाज है, दूसरा कोई इलाज इसको लागू नहीं होता, ये टेस्टेड इलाज है। और एक और कार्य कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले कोई मछलियों का तालाब ढूंढिए, नदी ढूंढिए, वहाँ पर जाकर भी मछलियों को भी खाना खिलाए, ये आपका रूटीन बना लीजिए आप, जैसे एक्सरसाइज के लिए व्यक्ति रूटीन बनाता है या पूजा के लिए जैसे रूटीन बनाता है, वैसा ही रूटीन आपको ये बनाना पड़ेगा। 2-2.5 साल मेहनत करोगे तब आपके जीवन से है पतली रेखाएं ये निकलेगी, नहीं तो बार बार जीवन में आपके
टेंस क्रिएट होता रहेगा, बार बार कोई ना कोई आर्थिक नुकसान आपको जाते रहेगा। और यहाँ पर ऑफशूट भी है इनके जीवन में, छोटे मोटे ऑफशूट यहाँ पर भी है जिनकी मैंने एजिंग नहीं निकाली, ये यहाँ से 38, 40, 40, 41, 55 और 62 ये ऑफशूट इनको कोई ना कोई सफलता भी व्यक्ति के जीवन में दिलाएंगे इस पीरियड में। और उसके पहले भी ऑफशूट है, इन तीनों ने ऑफशूटों ने भी कोई ना कोई सफलता इनके जीवन में दिलाई होगी। तो ये इस तरह का, बाकी जीवन रेखा एकदम पतली है, शरीर के प्रति बहुत ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, तोल तोल के खाते हैं, ये खाने से सर्दी होती है, ये खाने से बुखार आता है, इतना विटामिन, इतना कैल्शियम, इस टाइप का काउंट करने वाले लोग होते हैं। और जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ होकर आगे चल रही है। अब इनकी फिट लाइन को भी देखें तो यहाँ से चली एक ये, एक ये, एक ये, और इनके कमाई के रास्ते भी एक ये यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ तक चली, यहाँ से एक और, एक और, एक और, तो मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में हमेशा क्रिएट रहेंगे। इस तरह से इनकी लाइफस्टाइल रहेगी, मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होंगे, उसमें दो राय नहीं। और हर पाँच पाँच साल, छः छः साल में कोई ना कोई इनकम के रास्ते इनके चेंज होते रहेंगे, कमाते रहेंगे बुढ़ापे तक, पर इनकम के स्रोत हमेशा चेंज होते रहेंगे। एक इनकम का स्रोत कम से कम 40, 45 तक, 44 तक कंटिन्यू रहेगा, पर उसके बीच बीच में भी काफ़ी बदलाव इनके जीवन में आते रहेंगे और बुढ़ापे तक इसी तरह इनकी लाइन चलती जा रही है। पर रेखा है, कंटिन्यू है, तो इनकम के स्रोत बने रहेंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।